ये है लखनपुर मंदिर, मतलब माता जिया रानी कतूरी महारानी, जो महारानी जिया रानी है उनका मंदिर, वो ऊपर मंदिर है और जिसकी वीडियो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। जय माता जिया रानी, जय कतूरी सम्राटों की, देवों की जय। जय श्री राम। आज हम आ रखे हैं लखनपुर चकोटिया क्षेत्र के अंतर्गत। यह जंगल से घिरा एक क्षेत्र है और लखनपुर जो एक मंदिर है वो चकोटिया क्षेत्र में आता है और ये कतूरी राजवंश की महारानी जो जिया थी उनका मंदिर माना जाता है। वो मंदिर के लिए के नाम पे ये प्रसिद्ध है और ये चकोटिया से लगभग 12-14 किलोमीटर दूर है। काफी सड़कें काफी वीरान है, जंगलों के बीच में है। ये जो मंदिर है ये काफी जीर्ण शीर्ण हो चुका है जैसा कि आप देख रहे होंगे, मगर उसके बावजूद भी इसकी महत्व और इसकी मतलब पौराणिकता अपने आप में ही एक रहती है। अब हम भी यहाँ पर लखनपुर आए हैं, कतूरी राजवंश के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ जानने को मिलता है। जैसे कि कभी इधर चेक किया जाता होगा तो एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र, क्योंकि नीचे काफी बड़ा एरिया है जहाँ पर कतूरों की खेती बाड़ी सब होती थी, वो आपको दिख रहा होगा। देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये जितना क्षेत्र है ये सब कतूरों की खेती वाला क्षेत्र है, सारा कतूरे राजवंश का क्षेत्र है। अब तो खैर उत्तराखंड अब राज्य बन चुका है और कतूरी शासन, जो कि कई लोग कहते हैं कि अयोध्या से ही, मतलब अयोध्या के एक वंश से संबंधित है। पूरा जंगल में बना हुआ ये जो मंदिर है उसकी थोड़ी सी और चीजें बताता हूँ। देखो जैसे ये गौरव जी चढ़ रखे हैं ऊपर और यहाँ से भी, मतलब यहाँ से वो राजकाज देखते होंगे कहीं दूर गाँव में, जो भी उनका राज शासन चलता होगा वो दिखा रखा है। ये टूट रखा है, यहाँ पर भी एक रास्ता है, इधर भी खड़े हैं। अभी मैं आपको उधर थोड़ा दिखाता हूँ मोतिया उखल, ये उखल के बारे में भी कुछ कहानी है, खैर मुझे कुछ खास पता नहीं है। बस यहीं पर ये इसे मतलब गेहूं को निकाला जाता था जैसे आपको पता होगा, और यहाँ से काफी, मैं एक बार दिखा देता हूँ कितना ऊंचा है क्षेत्र। खैर गौरव जी तो और ऊपर चढ़ रखे, गौरव आ सकता हूँ क्या ऊपर में, गिरने लायक तो नहीं है रहा। ये देखिए भाई पूरे मंदिर के बारे में, खैर ज्यादा मुझे भी नहीं पता बट जितना पता है उतना बताऊंगा। नीचे एक गुफा भी है जिसकी मैंने वीडियो बनाई नहीं है, शायद मौका मिलेगा नीचे बना लूं। और ऊपर एक बार गौरव कैमरा लेके घुमा लेंगे। गौरव जी ये कैमरा लेके थोड़ा सा चारों तरफ का व्यू दो। ये गौरव जी ने आपको ऊपर क्षेत्र का भ्रमण करा दिया, अब मैं थोड़ा नीचे दिखाता हूँ। ये रास्ता कुछ इस टाइप का बना रखा है, अब ऐसा ही रहा होगा थोड़ा बहुत, इसको जब किसी ना किसी ने हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अच्छा बनाया होगा तो वो भी दिखा रखा है। चाचा ये मोतिया उखल के बारे में क्या है कहानी? यहाँ धान कूटते थे ना। अच्छा यहाँ धान कूटे जाते थे? हाँ धान कूटे जाते थे, साबुत धान निकलते हैं यहाँ के। साबुत धान चावल? चावल अच्छा 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 साबुत चावल मुझे हैं। ये रंगीली बैराट है ना पूरा। अच्छा वो रंगीली बैराट जो मतलब खेत वेत है। हाँ ये देखो इसके रामगंगा यहाँ से भी उधर भी है, ये पूरा ये है। हाँ काफी क्षेत्र, ये पूरा पानी वाला क्षेत्र है ना। हाँ पलायन मतलब वो प्लेन 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 एरिया काफी। हाँ तो मतलब ये ऊपर जो है पहाड़ है, चोटी है, सबसे ऊंची चोटी इस साइड से सामने दूनागिरी दिखाई दे रही है, उधर नैधणा माई दिखाई दे रही है, उधर जो है सामने मांडला देवी दिखाई दे रही है। अच्छा है ना, तो इधर तुम्हारे जौरासी वाले में कौन सी देवी है? असुर देवी मंदिर है इधर, तो ये सभी देवी पांडवा खाल दिखता सारा।
पांडव खाल इधर ही सामने ही है, दूनागिरी मंदिर के पांडव खोली, पांडव खोली भरत कोट। हाँ तो ये इसको रंगीली बैराट उस समय कतिरू राजाओं का जो है ना, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, सबकी नजर इस पर होती थी। अच्छा, ये गिया रानी जो है, ये धामदेव वगैरह जो उनके थे, ब्रह्मदेव धामदेव राजा राज्य था यहाँ पे ये दोबारा से ना। अच्छा क्या कतिरू उनका कतिरू वंश का राज्य था इस एरिया में, पूरा अल्मोड़ा क्षेत्र में। तो और भी जो देशी आक्रमणकारी होते थे ना पहले, तो आपस में ही हिंदू राजा लड़ते रहते थे। तो यहाँ से वो अपना कमांड, जिया रानी यहाँ से कमांड करती थी। तो पूरा नीचे के क्षेत्र में जो भी आता था उसका जो है कमांड अपने हाथ में होता था, तो अपने सैनिकों को यहीं से मतलब जो भी गाइडलाइन है यहाँ से देते थे। ऊंचाई पे, काफी ऊंचाई में है, तो जंगलों के बीच में किला के रूप में है, चारों तरफ से खाई है और बीच में किला है। हाँ। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ आने में टाइम लगता है। हाँ। जब तक वो आगम के लिए नीचे से ऊपर आएगा तो टाइम लगेगा ऊपर आने में। इसलिए कोई भी इन पहाड़ों में जो है ना कब्जा नहीं कर पाया। तो इधर देखोगे तो वो सामने चकोटिया हो गया, पूरा हरियाली छाई हुई है, ये हरे हरे पेड़ वृक्ष। अच्छा, तो यहाँ अब लोगों का आना जाना कम है। यहाँ से वो नेथना देवी मंदिर दिख रहा है, जिस नेथना देवी की बात करते हैं, नेथना देवी मंदिर सामने दिख रहा है यहाँ से। हाँ, ये नेथना देवी मंदिर है यहाँ से। ठीक है। और ये 108 शिवलिंग है। हाँ, 108 शिवलिंग देख सकते हैं वहाँ पे आगे। जिया रानी मंदिर मखनपुर लखनपुर। अब मैं आपको थोड़ा सा 108 ये 108 शिवलिंग है, कुछ मतलब पोल ये सारे चीजें ना जीर्ण शीर्ण हालत में हो रखी हैं। अब क्या इसका भी कुछ कुछ ना कुछ तो उपाय किया ही जाएगा जहां तक लग रहा है। तो ये पशुपतिनाथ पद्धति पर 108 शिव शक्ति परिक्रमा संवत 2049 किलोमीटर। तो अभी मैं आपको थोड़ा इधर से दिखाता हूँ। तो ये नीचे गणेश मंदिर था और अच्छा मसाल जलती थी यहाँ पर। अच्छा यहाँ मसाल, क्योंकि किला का देखो एक इंडिकेटर रहता है। हाँ, ऊपर लगा देते ना ऊपर से। हाँ, रेड लाइट लगा लेते हैं वैसे ही है। चढ़ा गौरव, चढ़ा था गौरव नीचे से। अब ये थोड़ा नीचे वाला क्षेत्र दिखाते हैं आपको। ये है जहाँ तक ये बना रखे गणेश मंदिर। जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री गणेशाय नमः। ये मशाल यहाँ पर जलती थी जिससे कि पता चलता था क्षेत्र का, पता चल जाता था। तो चीड़ के पेड़ ये सब हैं। खैर तो बहुत चीजें हैं, मैं और चीज दिखाता हूँ आपको, और भी बहुत बढ़िया चीजें बना रखी। टॉप सारी चीज दिख रही है। ये जयदेव और इधर ये महारानी जिया का मंदिर है सामने, तो जिया मंडप। अब जिया मंडप से पहले मैं थोड़ा सा इधर वाला दिखाता हूँ। ये धामदेव मंडप है, धामदेव जिया रानी के पुत्र और राजा कद्यूरी वंशज के, आज देव रूप में प्रचलित है बहुत जगह। आज भी आप कहो तो न्याय की कामना की जाती है इनसे इस पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में। ये एक मंदिर है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी मंदिर। और हम ये हमारी गाड़ियां खड़ी नीचे, वहां से आए हम। और ये जो बता रहे थे रंगली बैराट, रंगली बैराट ये पूरा क्षेत्र इस तरीके से यहाँ पर, यहाँ खेतीबाड़ी की जाती थी। ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर 1992 जन्माष्टमी के दिन इसे बनाया गया है। वहीं अगर हम नीचे देखें तो जैसा पुराना लाल किला वगैरह हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी पुराना किला जैसे ही कुछ चीजें यहाँ पर देखी गई हैं। लोगों ने अपनी प्रेम कहानियां लिख रखी हैं। ये है नरसिंह देवता का मंदिर। यह नरसिंह देवता का है। हाँ, हम तो बैठ गए, हम यहाँ झूलम बैठ गए। ये देखो ना नरसिंह मंदिर, ये बैठ रही मैं।
बैठ जाओ, क्या पता कम से मना तो वीडियो बनाए में वो नेपड़ आऊंगा ना और क्या है काम नेपड़ आऊंगा। अभी तो नहीं ये पता नहीं है, यहां 108 दिए जलते हैं तो जलते होंगे वो सब जगह जलते होंगे ना 108 दिए जलते हैं। मैं दिन के समय ये ना आनू जागे रहे रहती हूं ये दानी। अच्छा और रहती है देवे पूरा 108 दिए जलानी, 108 शिवलिंग को पूजा करनी और विवाद ओखल में धान डाल के चावल धान ही चावल निकलते हैं। अच्छा धान डाल के चावल ही चावल निकलते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक साबुत भी नहीं निकलता, मतलब एक सारे साबुत ही निकलते हैं, टूटे हुए नहीं निकलते हैं। अच्छा उस अलग चावल अलग। अच्छा जी तो ये महिमा है यहाँ की, ये यहाँ पर ये झूला है। अब ये नरसिंह देवता का मंदिर है। खैर हम भी थोड़ी देर बैठ जाते हैं। चलो मैं आपको और चीज दिखाता हूँ आगे। ये यहाँ पर भी मंदिर है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये भी अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही जो बना रखा है। खैर यहाँ पर है कुछ लिखा हुआ तो मुझे भी पता नहीं है। ये है विरमदेव स्वागत कक्ष, विरमदेव का स्वागत कक्ष, बैठने का कक्ष। पुरानी चीजें हैं जब इनका राजशाही शासन चल रहा था। और वैसे भी ये मतलब उम्मीद की गई थी कि 1100 ईस्वी तक कत्यूरी वंशज का शासन चला, 1100 ईस्वी तक। हाँ जहां तक मुझे ध्यान है 700-800 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। अब मैं आपको जरा और चीज दिखा देता हूँ। आप सोचो कि ये कितना पुराना है, लगभग लगभग अगर देखे तो 900 साल से ज्यादा हो गए इसको। मतलब 900 साल मंदिर तो अब बना दिया गया, 900 साल पहले यहाँ पर यहाँ से चेक किया जाता होगा। ये नवदुर्गा मंदिर है। और हो यहाँ पर ये जिन्होंने भी काम करवाया होगा उनके नाम लिखे गए हैं, जिया मंडप और जय श्री राम भगवान हनुमान जी की प्रतिमा। और यहाँ पर कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि यहाँ ये मंदिर का द्वार खुला हुआ है। ये महारानी जिया जो है उनका मंदिर है। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। ये भी सब अब इनकी महिमा हमें भी पता नहीं है, मगर मतलब महिमा तो है ही, मगर इनकी ये कहानी है पता नहीं है। और यहाँ हम दिखाते हैं, यहाँ पर भी ये महारानी जिया का ही सब कुछ है। और यहाँ पर नीचे एक छोटी सी शायद एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को देखने के लिए कुछ बना रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है। ये आज का बना हुआ नहीं है, बहुत पहले का बना हुआ है। ये जो टीन शेड वगैरह देख रहे हो ये नए डाले हुए हैं। जय माता दी, जय माता दी। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से सामने देखा जाता होगा। चलिए हाँ जो ऊपर चलते हैं हम भी। ये कुछ इस टाइप का बना रखा है। जय माता दी। ओहो ये है रास्ता जिसमें से मैं भी आया हूँ। ये है परिक्रमा प्रदेश। अच्छा ये परिक्रमा करते हैं इसमें। चलिए जी हम भी कर लेते हैं यहाँ से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये है 108 शिवलिंग की परिक्रमा करनी है। यह सिंहासन, यहाँ है सिंहासन जहाँ से जहाँ तक है राजकाट राजपाटी होता होगा। इस प्रकार से बनाया गया है। चलो हमने जहाँ तक है परिपूर्ण करा। ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ सब कुछ सही। जय माता रानी आपकी कृपा सब पर बनी रहे। सभी का देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ भरत, बाय बाय, धन्यवाद। और ये देखो ये ओखल कोट रहे हैं।
ओखल कोटन, जल्दी कोटो जल्दी कोटो। ओखल कोट रहे, जय माता रानी की। ऊपर से आ रहे हैं हम लखनपुर जिया रानी मंदिर से होते हुए, और आप देखोगे ये है कत्यूरी कुंड। यहाँ पर कत्यूरी राजा या कत्यूरी जो सेना थी वो क्या नहान होता हो क्या पता, बट कत्यूरी कुंड है ये जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर एक गुफा भी है। गुफा क्या है, एक तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ को निकलने का रास्ता है, बट जो भी रहा होगा इसका इस्तेमाल दिखाते हैं कैसा है। ये है, ये भी थोड़ा छत डाल दी गई थोड़ी सी, बट आगे देखोगे तो ये काट के बना रखा है सब, ये बनाया हुआ है। ये देखो जी, ये बना रखा है। ये रास्ता है, पूरा जंगल क्षेत्र परिसर है, और हम आए लखनपुर। ये घूम के हम वापस फिर से वहीं पर, ये वाली गुफा। ये आगे सभी लोग नीचे गेट बना रखा है लखनपुर का, उससे शुरुआत करेंगे। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।